नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का 19वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच दुबई में खेला गया। इस मुकाबले में बैंगलोर की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मार्कस टोनिस के तूफानी अर्धशतक के दम पर 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 196 रन बनाए। एक समय टीम संघर्ष कर रही थी, लगातार 3 विकेट जल्दी जल्दी गिर गए थे, लेकिन ऋषभ पंत और मार्कस टोनिस की जोड़ी ने सिर्फ चंद ओवरों में 80 रनों से ज्यादा की साझेदारी कर डाली। जी हां, दोनों के बीच 7 ओवर में 80 रनों से ज्यादा की साझेदारी हुई। ऋषभ पंत ने इस दौरान 25 गेंदों पर 37 रनों की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के लगाए। ऋषभ पंत ने जो दूसरा छक्का लगाया वो काफी हैरान कर देने वाला था। जी हाँ, पारी का 19वां ओवर लेकर मोहम्मद सिराज आए थे। मोहम्मद सिराज ने पहली गेंद एक बीमर फेंक दी। जी हाँ, सिराज के हाथ से ये गेंद पूरी तरीके से छूट गई थी, जो सीधे जाकर पंत के सर के पास जा रही थी, लेकिन पंत ने अजीबो गरीब अंदाज में एक शॉट खेला और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार चली गई। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पंत ने एक खतरनाक बीमर को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया था। गेंद नो बॉल थी, जिसका फायदा ऋषभ पंत को भरपूर मिला, लेकिन गेंद खतरनाक भी थी। आपको बता दें, ऋषभ पंत ने इस मुकाबले में 25 गेंदों पर 37 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के लगाए। आपको बता दें, दिल्ली की तरफ से मार्कस टोनिस ने 26 गेंदों पर 53 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और 6 चौके लगाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे हैं वन इंडिया के साथ।